स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गाइस आप अपने फोन में अपना फिंगर लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप में आपको अपने फोन करके आप अपने फोन में फिंगर लॉक लगा सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस, सो क्लैरिटी तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक। तो गाइस तभी हम अपने फ़ोन में अपना फिंगर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देना जो आपने पहले से डाल रखा है। सो ओके कर देंगे। यहाँ से इसे स्टारिंग कर रही हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फिंगर को, तो आपको यहाँ पर अपना फिंगर लगाना है। तो ये अपना फिंगर लगाना, रिमूव करना, लगाना, रिमूव करना। जब तक हमारा पूरा फिंगर नहीं लगता है तो कई समय ऐसे कई बार लगाना और कई बार रिमूव करना है आपके फिंगर को। भाई देखिए जो हमारा फिंगर है वो पूरा लग चुका है और हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन, हम इसे डन कर देते हैं। तो भाई इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर दो ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर फिंगर वन, अगर आप अपने फोन में अपना फिंगर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड फिंगर। जैसे कि आप अपने घर में किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपना फिंगर अपने फ़ोन में लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं दूसरे का। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने टू फिंगर लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टेक केयर।